प्रचंड गर्मी और भीषण लू की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली गाजियाबाद में कई जगहों पर गुरुवार दोपहर को बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। वहीं बिहार में मॉनसून की एंट्री होने के बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण तापमान लुढ़क कर नीचे आ गया है। आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा देश भर में मौसम और कहां कहां पर बारिश होने वाली है। बीते महीने से दिल्ली एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की नींद छीन ली थी, ऐसे में शुक्रवार को हुई बारिश बड़ी राहत लेकर आई है। दिल्ली में आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री बना रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में बारिश भी पड़ सकती है। बारिश की वजह से तप रहे दिल्ली की धरती अब कूल कूल होने वाली है। 50 डिग्री के पार जाने वाला तापमान अब 40 डिग्री पर आ गया है। ऐसे में दिल्ली वालों को ये वीकेंड काफी कूल गुजरने वाला है। मॉनसून पास आते ही उत्तर प्रदेश में भी मौसम की चाल बदल गई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में शनिवार को हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी यूपी वालों को अभी बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के लोगों को 25 जून के बाद बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कुशीपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, देवरिया और गोरखपुर में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश पड़ने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश के लोगों को चुभती धूप से राहत मिल गई है। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने 6 दिनों बाद दस्तक दी है। शुक्रवार को मॉनसून ने मध्य प्रदेश के शिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जगहों पर बारिश पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, रायसेन के भीमबेटका, सीहोर, बैतूल, इंदौर, देवास, नर्मदापुरम के पचमढ़ी, शिवनी, बालाघाट, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर के अमरकंटक में तेज बारिश होगी। इसके साथ कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मैदानी इलाकों के साथ तप रहे पहाड़ों पर भी अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 24 से 30 जून तक काफी बारिश होने की संभावना है। वहीं मॉनसून भी 2 से 3 दिनों में दस्तक दे देगा। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाके में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ गरज और बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। उत्तराखंड में ये बारिश का दौर बचे हुए पूरे जून में देखने को मिलेगा। NBT ऑनलाइन रिपोर्ट।